हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैगन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। चलिए अब वीडियो देखते हैं। आलू बैगन के लिए हमने ऐसे बड़े पीसेस कट कर लिए हैं, एक बड़ा बैगन और दो बड़े आलू। एक प्रेशर कुकर में हमने एक बड़ा चम्मच सरसों तेल गरम कर लिया है। अब उसमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डालेंगे। एक से दो मिनट बाद हम लोग 3 हरी मिर्च और 5 लहसुन की कलियां डाल देंगे। प्याज ब्राउन हो रहे हैं तब तक हमने एक छोटा सा प्याज और एक छोटा लहसुन मिला के पीस लिया है। देखिए हमारे प्याज हल्का पिंकिश, तब उसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल के सब्जी भूनेंगे। देखिए हमारा मसाला भून गया है। अब इसमें आलू बैगन डालें। हमने आलू बैगन डाल दिया है। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और उसे अच्छे से भूनेंगे। देखिए आलू बैगन भून गया है। अब इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसे 1 से 2 सीटी मारने देंगे। हमारा आलू बैगन अब गल गया है। अब इसमें हम धनिया पत्ता और सौंफ का पत्ता डालेंगे। सौंफ का पत्ता यानी सोहा पत्ता, और इसे 1 से 2 मिनट बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। रेडी है हमारा आलू बैगन। आप इसे पराठा, पूरी या भक्का के साथ भी खा सकते हैं।